Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Hope you people are doing well. Today our topic is fire in the forest. This is the demanding video. This chapter is written by nura Burke. And you all students are familiar with this word fire in the forest. Because some news may सुनते रहते हैं कि आज इस जंगल में आग लग गई है या इस जंगल में आग लग गई है अगर आप टू थाउजेंड नाइनटीन की न्यूज़ में देखोगे नाइनटीन और ट्वेंटी के आसपास बहुत सारे जंगल थे जिनमें आग लगी थी तो इन सबको रोकने के लिए जंगलों में जो आग लगती है इसे रोकने का काम किसका होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है वही इसे कंट्रोल करते हैं ठीक है सो लेट्स रीड द चैप्टर बेसिकली इस चैप्टर में हम एक एक स्टोरी है हिरनी की जो अपने अपने झुंड से बहुत ज़्यादा दूर है और उसने दूर क्यों है क्योंकि उसने अपने बेबी को बर्थ दिया है तो इसीलिए वो अपने झुंड से दूर है लेकिन वो एक ऐसे जंगल में है जिस जंगल में आग लग गई है तो किस तरह से वो अपने बेबी को उस जंगल से दूर ले जाती है एक नदी के किनारे के पास और उसकी जान बचाती है लेट्स रीड द चैप्टर The fire spread rapidly. The smoke was seen by the forest department, people who immediately went into action to halt the fire and prevent any further damage and death. Soon, men were on the next line, already cut through the jungle for exactly this purpose. All trees are undergrowth, cleared away. They lit their counter fire all along the edge of the fire line. When the two fires met, there would be nothing left for them to burn, so they would बोथ गो आउट बट मीन वाइल द ट्रू फायर फर्नेंस फर्नेंस का मीनिंग फायर closing इन ऑन each अदर इन दिस paragraph हमें ऑथर ये बताते हैं कि जो जंगल में आग बहुत तेज़ी से फैल गई है और जो धुआं है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने देख लिया उस आग को और फर्दर कुछ डैमेज ना हो या कोई डेथ ना हो एनिमल्स की उसे रोकने के लिए हॉल्ट मीनस ए पॉज उसे रोकने के लिए और डैमेज को मीन्स एनिमल्स जो हैं उनकी जान को बचाने के लिए वो तुरंत एक्शन में आता है तुरंत एक्शन लेते हैं और कुछ लोग हैं वो कहाँ जाते हैं नेक्स्ट फायर लाइन फायर लाइन पर जाते हैं और सिर्फ इसी चीज़ के मकसद के लिए कि जो आग है वो बहुत तेज़ी से और ना फैले ऑलरेडी जो है जंगल को काट दिया गया था मीन्स ऑल ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ क्लियर अवे जो वहाँ पे ट्री थे कुछ और उन जो छोटी छोटी घास की भी ग्रोथ हो रही थी उन सबको काट दिया गया था पर्पज़ यही था कि आग बहुत तेजी से ना फैले इसलिए वो सब साफ़ कर दिया गया था फायर लाइन का मतलब यहाँ पर यही है अ स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट हैज़ बीन क्लियरड एक स्ट्रिप ऑफ लैंड मतलब एक लैंड की स्ट्रिप सी बना दी गई थी हैज़ बीन क्लियर अमंग वेजिटेशन टू स्लो और स्टॉप देयर प्रोग्रेस ऑफ लाइफ वो जो मिट्टी थी मिट्टी जैसे मिट्टी होती है ना हाँ उसी से बनाया है इन्होंने वो क्यों बना दी थी उन्होंने ताकि जो फर्दर डैमेज है कि आग आगे तक ना जा सके आगे तक ना फैल सके इसलिए उन्होंने एक लाइन सी बना दी थी तो वो वहाँ पर फायर लाइन पे पहुँच जाते हैं ताकि कुछ और चीज़ें जंगल में ख़राब ना हो लेकिन जो आग थी वो बहुत तेज़ी से ऑलरेडी फैल चुकी थी ठीक है अमंग द स्पैकल शेडो अ स्पॉटेड डियर वॉज लेइंग बाय हर सेल्फ Away from the herd because she had recently given birth to a fawn. Like all other deer, she never thought about tiger and panther unless she could actually see one. But she was on the alert the whole time. I think line by line हमें ज़्यादा explain करना चाहिए तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. तो पूरा paragraph नहीं read करते line by line समझते हैं. Okay. अमंग द स्पैकल स्पैकल का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्पैकल का मतलब है विद ओकेजनल पैचेज ऑफ अ लाइट शेडो अ स्पॉटेड डियर वॉज लेइंग बाई हर्सल जो डियर थी मीन्स जिसने बेबी को बर्थ दिया है वो वहाँ पर क्या थी लेटी हुई थी अपने झुंड से दूर है क्योंकि उसने अपने फोन को फोन क्या है यहाँ पे बेबी ऑफ डियर अपने बेबी को रिसेंटली उसने जन्म दिया है अपने झुंड से दूर आकर तो वो क्या स्पॉट करती है वो देखती है कुछ छोटी छोटी सी लाइट जो है शेडो के बीच में चमक रही है स्पैकल मीन्स वही है कभी कभी कुछ लाइट के पैचेस वो नोट कर रही थी अब उसे क्या था उसे वहाँ पर किसी और चीज़ का डर नहीं था लाइक ऑल अदर डियर और बाकी डियर्स की तरह शी नेवर थाट उसने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कोई टाइगर आ सकता है या कोई पैंथर मीन्स तेंदुआ आ सकता है अनलेस शी कुड एक्चुअली सी वन बट शी वॉज ऑन द अलर्ट द होल टाइम लेकिन फिर भी वो पूरा टाइम क्या रही अलर्ट रही क्योंकि उसने उस स्पार्कल को देखा तो शायद कुछ हो सकता है कोई खतरा हो सकता है तो वो हर टाइम अलर्ट रही हर ग्रेट ईयर्स नेवर स्टिल और जो उसके कान थे वो भी क्या थे वो पूरी तरह से वो कहते हैं ना कान खड़े रहे सुन की कुछ खतरा ना हो बट कॉन्स्टेंटली फ्लिकिंग दिस वे वे एंड दैट टू टू थ्रो ऑफ फ्लाइज एंड ब्रिंग हर न्यूज़ अब कॉन्स्टेंटली फ्लिकिंग का यहाँ पर मतलब है मीन्स क्विकली हिट्स सम वन लाइटली एंड क्विकली ये कह सकते हो तो जो वो अलर्ट थी बहुत क्विकली वहाँ से उसने क्या देखा फ्लाइज़ हैं कुछ मक्खियाँ हैं जो वहाँ से उड़ती हुई आ रही हैं वो एक एक्चुअली में ब्रिंग हर न्यूज़ कुछ मतलब कुछ न्यूज़ ला रही थी जिस जंगल में आग लगी थी वहाँ से जितने भी फ्ला, फ्लाइज थी वो उड़कर दूसरी तरफ जा रही थी तो जिसे इस डियर ने नोट किया कि हाँ पक्का ये कुछ ना कुछ खबर ला रही है देखो जानवर बोल नहीं सकते लेकिन समझ सब सकते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है तो उससे वो समझ रही थी कौन डियर समझ रही थी कि पक्का कुछ गड़बड़ है शी बेंट हर हैड टू द फ़ोन उसने अपना जो हैड अपने फोन अपने बच्चे की तरफ को पैंट किया टाइनी ब्राउन बॉडी ले लाइक अ नट इन द पॉकेट ऑफ ग्रास मीन्स यहाँ पे उसके बेबी को डिस्क्राइब किया कैसी बॉडी थी उसकी ब्राउन बॉडी थी और वो एक नट की तरह घास की पॉकेट में लेटा हुआ था घास की पॉकेट मतलब घास बहुत घनी थी उसके अंदर वो लेटा हुआ था जैसे हम अपनी पॉकेट में कुछ रख लेते हैं एज शी लेंट ओवर हिम he raised his face to hers and they touch इधर जब मीन्स जब वो उसको टच कर रही थी उसको हाथ फेर रही थी उसकी तरफ हाथ मीन्स अपना जो उसका सर है उसको फेर रही थी तो उसने भी क्या किया उसने भी थोड़ा सा अपना फेस ऊपर की तरफ किया किसने उसके बेबी ने ही रेज फेस टू हर उसकी तरफ किया और दोनों ने एक दूसरे को टच किया मीन्स मदर ने और बेबी ने शी गॉट टू हर फीट एंड stood with outstretched स्ट्रेच staring स्टेयरिंग नर्वसली अब उसने क्या किया अपनी किसने डियर ने अब पूरी स्टोरी डियर पर ही चलेगी है डियर ने अपनी अपने पैरों के बल वो उठी है और उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और स्टेयरिंग घूरना शुरू किया सरप्राइजिंगली कि क्योंकि वो घबरा रही थी उसने वो पैचेस देख लिए थे अब फिंड मिनसवे इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज़ ब्लोइंग मतलब उस डायरेक्शन में देखा उसने जहाँ से हवा बह रही थी बहुत नर्वस भी हो रही थी वो शी स्टैम्प्ड लाइटली इन वार्निंग और अब उसे समझ में आ गया था क्यों क्योंकि उसने अपने पैर को स्टैम्प्ड मीन उसने अपने पैर को जोर से आवाज करते हुए पटका कि वो समझ गई थी ये कि कुछ वार्निंग का संदेह है उसे अब कि ये जो हवा को देख कर उसे समझ में आ गया था कि कुछ पक्का खतरे की बात है कुछ वार्निंग अब आ रही है एंड स्टूड रेडी टू स्टैम्प अगेन वेटिंग येस इट वॉज अ स्मेल अब खड़े होने के बाद मतलब उसकी चेतावनी पे ना अब यहाँ पर लाइन आई थी ना शी स्टैम्प्ड लाइटली इन वार्निंग एंड स्टूड रेडी टू स्टैम्प अगेन वेटिंग मीन्स उसकी जो चेतावनी थी इस पर अब क्या था उसको एक पक्का अब यकीन हो गया था कि पक्का कुछ गड़बड़ है येस इट वॉज़ अ स्मेल अब वो समझ गई कि हाँ ये तो क्योंकि उसको स्मेल आई यस yes, ये तो स्मेल है गंद है हर आइज़ बिगिन टू स्मार्ट एंड शी स्नी जिसकी आँखें थी यहाँ स्मार्ट का मतलब क्या है कि उसको फील स्टिंग स्टिंगिंग पेन ये आपकी नोटबुक में इनकी मीनिंग्स दिए हुए हैं आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो मैं वहीं से देख के पढ़ रही हूँ उसकी आंखें जो थी उसको समझ में आ गया था कि पक्का कुछ होने वाला है उसकी आंखें बड़ी स्मार्ट भी हो गई हैं और उसने तुरंत जैसे उसको स्मेल आई उसने स्नीज भी किया मीन्स उसने छींका भी द विंड वॉज पिकिंग अप एज द हीट ऑफ द फायर इंक्रीज एंड चेंज इज डायरेक्शन जो हवा थी आग की जो गर्मी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी बढ़ रही थी और उसी के साथ हवा की डायरेक्शन भी तेज हो रही थी मीन्स हवा भी तेज हो रही थी आग की गर्मी के साथ साथ शी स्टूड एंशियसली अब नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट स्लाइड में होगा। यस। yes. She stooped anxiously to her phone, then up again to look and listen. Stoop means क्या है यहाँ पे झुकना। अब वो बहुत चिंता के साथ। Anxiously means होता है कि एक एंजाइटी के साथ चिंता के साथ वो अपने बच्चे की तरफ को झुकती है। And then up again to look and listen। और फिर से वो क्या करती है? देखती है अब उसे टेंशन हो, हो गई है उसे अपने से ज़्यादा अपने बेबी की टेंशन हो गई है आफ्टर अ वाइल्ड स्मोक कुड बी सीन इन द स्केप थोड़ी सी और देर के बाद उसने पूरे में स्मोक देखी मीन्स धुआँ ही धुआँ देखा द हिंड्रेंग शार्पली टू हर फाउन एंड नजड हिम टू हिज फीट हिंड स्प्रैंग मीन्स क्या होता है जंप क्विकली बहुत तेजी से शार्पली तेजी से वो क्या करती है अपने बच्चे की तरफ उछलती है एंड नज नज मीन्स क्या होता है कोनी मारना और उसको कोनी मारना मीन्स पुश करना वो उसको पुश करती है हिम टू हिज फीट उसके पैरों से तेजी से जैसे ही उसने धुआं देखा है तो वो अपने बेबी को बचाने के लिए उसकी चिंता करते हुए उसके पास जाती है और उसको पुश करती है उसके पैरों से ही गॉट अप शेकली शेकली मीन्स क्या होता है इनसिक्योर अब वो पूरी तरह से कौन इनसिक्योर हो गया उसका जो बेबी था वो इनसिक्योर हो गया वो नहीं हिज लेग वर एज सॉफ्ट एज दोज ऑफ न्यू बॉर्न लैम्प उसके पैर इतने सॉफ्ट थे जैसे किसी नए लैम्प के होते हैं एंड इज़ हु द साइज ऑफ थम नेल और जो उसके हुफ्स थे हुफ्स क्या होते हैं जो जानवर होते हैं ना उनके जो पैर होते हैं आप देखना जब वो चलते हैं तो उनके पैरों का जो साइज़ होते हैं ना उनके कैसे समझाऊँ हिंदी में कहते हैं इसको खुर एनिमल्स के पैर जो होते हैं वो भी इतने छोटे थे साइज़ में जैसे थम्ब नेल होता है जैसे अंगूठे का नाखून होता है ना बहुत छोटे यहाँ पर बताया गया कि बहुत छोटे थे ही गेव अ लिटिल फ्रिस्की जंप एंड फेल ओवर फ्रिस्की क्या मीन्स क्या है यहाँ पे प्लेफुल मीन्स अब वो खेलने के मूड में आ गया अब वो भी एक क्या छोटी सी जंप लगाता है फ्रिज की जम्प फेल ओवर ही गॉट अप अगेन एंड केम प्लेफुली टूवर्ड्स हर अब वो वापस अपनी माँ की तरह ऐसे ही आता है फिर एक छोटी सी प्यारी सी जंप लगाता है अपनी माँ की तरफ शी थ्र्यू एंड श्लेंस अबाउट हर एंड शी बिगेन्स सडनली टू अर्ज हिम अलॉन्ग अब वो तो पूरा बेचारे खेलने के मूड में है लेकिन जो उसकी मदर है अब वो चिंता की तरफ उसके एंशियस क्लेंस का मतलब है क्विक लुक उसकी तरफ क्विक देखती है चिंता से चिंता से उसकी तरफ जो देखती है और शी बिगेन्स सडनली टू अर्ज अर्ज मीन्स क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट उससे भी अब एक तरह की वो रिक्वेस्ट भी कर रही है कि दे हैड टू हरी अब उन्हें बहुत जल्दी है उन्हें यहाँ से जाना होगा बट जो उसका बेबी है ही वो सो स्लो बहुत स्लो था बहुत वीक भी था और डिस, डिस टू डिसऑबिडियंट मीन्स बात ना मानने वाला ही कैप्ट सिंकिंग डाउन एग्जॉस्टेड रिफ्यूजिंग टू गै गेटअप अगेन अब उसकी मदर जो है उसको जब यहाँ पे मैं बताया था ना उसको छेड़ती है उसको कोनी मार रही थी तो अब वो उसको वहाँ से उठाने की वहाँ से ले जाने की कोशिश उसकी मदर कर रही है लेकिन वो क्या है वो दोबारा से कैप्ट सिंकिंग डाउन मीन्स बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया और वो मना करता है रिफ्यूजिंग टू गेट अप अगेन दोबारा उठने के लिए वो नानू कर करता है अब मदर और उसके बीच की लैंग्वेज तो समझ सकते हैं लेकिन हमें ऑथर यहाँ पे यही कहते हैं कि जब उसकी मदर उसे उठा रही है उसको कहती है उसको अपनी ही लैंग्वेज में कह रही है कि हमें यहाँ से चलना है हमें यहाँ से जाना है हमें, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है तब वो वहाँ से उठने के लिए मना कर रहा है क्यों क्योंकि उसके बेबी को खतरे का नहीं पता शी फोर्स्ड हर बेबी अपने बेबी को फोर्स कर रही है ऑन विद रफ बाइट नबिंग हिज सॉफ्ट फ्लिश निबिंग मीन्स यहाँ पर क्या है गिव स्मॉल शार्प बाइट ओके वो उसको फोर्स कर, कर रही है कि नहीं हमें यहाँ से जाना है कैसे फोर्स कर रही है विद रफ बाइट उसको रफ बाइट मीन्स उसको काट रही है निबिंग होते हैं शार्प बाइट रफ बाइट भी कर रही है शार्प बाइट भी कर रही है हीज़ सॉफ्ट फ्लीश मीन्स उसकी जो जो उसका बेबी है फ्लीश उसका बेबी है उसकी भी जो पूरी स्किन है वो कैसी है बड़ी सॉफ्ट सी है तो उसको काटती है उसको छेड़ रही है मतलब अपनी ही लैंग्वेज में उसको कहने की कोशिश कर रही है ही स्क्वील्ड and staggered along frightened now not of the fire but of his mother the only thing he understood who had turned on him squealed means kya hota hai kilkari marna chillana staggered means hai ladkhadana along with frightened now ab wo ladkhadate hue aap is picture mein dekho yes wo ladkhadate hue uthta hai और बहुत ज़्यादा वो डर गया है जब उसकी माँ ने उसको bites काटे हैं तो बहुत ज़्यादा डर गया तो डरने उसे डर इस चीज़ का नहीं है कि आग लग गई नहीं उसे तो पता ही नहीं है कि उसकी माँ उसके साथ ये बिहेव क्यों कर रही है बस जैसे हमारी मदर कभी कभी मैं डांट देती है ना हमें पता नहीं होता क्यों डांट रही है बट पता है हमें हमारे भले के लिए डांट रही है तो सेम उसकी मदर है उसको अपनी ही लैंग्वेज में जो भी उसने किया निबिंग किया और रफ बाइट्स की उसे नहीं पता कि उसकी मदर उसके साथ ये क्यों कर रही है बट अब वो इतना डर गया बेचारा आग से नहीं डरा अपनी मदर से डर गया द ओनली थिंग यू अंडरस्टूड हु हैड टर्नड ऑन हिम टर्नड ऑन हिम मीन्स सडनली अटैक हिम उसको सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि उसकी जो मदर है उसको ये भी नहीं पता चला उसकी मीन्स उसको ये नहीं था कि उसकी मदर है बस उसको ये था कि अब उसके ऊपर अचानक जो है ना अटैक हो गया है बट नाओ द रोअर ऑफ द फर्नेंस वॉज क्लोज बिहाइंड अब बेचारे की जो मदर है उसको ये तो पता चल गया उसके ऊपर अचानक अटैक हुआ है इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा गया लेकिन उससे ये नहीं पता था कि क्यों उसके साथ ये हुआ है अचानक बट नाओ द रोर ऑफ़ द फर्नेस फर्नेंस मीन्स क्या आती आग उसकी बिल्कुल क्लोज आ गई थी उनके पीछे बिल्कुल आ गई थी टैरर बीट इन द फॉन्स बॉडी ही फॉज सफरिंग नाउ पीछा करते हुए वहां तक आ गई है तो उसकी जो बॉडी है फॉन की जो बॉडी है अब वो एक उस आग का एक हिस्सा बनने बन गई ऑलमोस्ट अब वो उस चीज से सफर कर रही वो सफरिंग नाउ अब वो स्टैगर्ड स्टैगर्ड मीनस होता है अभी बताया था ना वो लड़खड़ाता हुआ उठता है लेकिन उठ नहीं पाता और वहीं पर वापस हिलते हुए लड़खड़ाते हुए गिर जाता है जस्ट देन दिंड सॉ स्मोक आ हेड ऑफ आर तभी फिर हिंड क्या देखती है कि जो स्मोक है जो धुआँ है वो बिल्कुल उसके आगे आ गया इट वॉज स्टिल बिहाइंड वो समझ गई थी कि आग अभी भी उनका पीछा कर रही है ये है नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लास्ट पैराग्राफ में हमने एक लाइन पढ़ी थी ना टैरर बीट इन द फॉन्स बॉडी वो यही थी कि आग की जो टैरर बीट थी है, वो फॉन्स की बॉडी तक पहुँच गई थी देन शी न्यू दे वर कॉट वो जानती थी कि वो पकड़े गए हैं जस्ट द वे यू कुड बी कॉट बिटवीन टू हंटिंग पैंथर्स इस तरह से उसने कंपेयर किया वो इस तरह से पकड़ी गई है जैसे कि एक हिरन दो हंटिंग पैंथर्स मीन्स तेंदुओं के बीच में फंस जाता है हर फोन ले पेंटिंग ऑन द अर्थ स्ट्रेच आउट स्पार्क्स वर फॉलिंग ऑल अराउंड जो उसका बेबी था वो पें पेंटिंग का यहाँ पे मतलब है कि ब्रेथ हेवेनली बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था और जो स्पार्क थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी आग की हिज फ्लीश शिवर्ड वेन दे फेल ऑन हिम बट ही डिड नॉट गेट अप अब जो उसका जो बेबी था वो पूरी तरह से काँप रहा था जब वो लोग वहाँ पर भाग रहे थे ना अपनी जान बचाकर वो गिर भी गया तो लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ जाए ही डिड नॉट गेट अप वो उठ नहीं पा रहा था उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी शी could सी द ब्लेज नाउ वो अब पूरी तरह से आग को देख सकती थी रोरिंग up इन अ शीट ऑफ फायर एंड exploding बैम्बू बैम्बू exploding बैम्बू का मीनिंग है यहाँ पे टू बर्स्ट विद अ लाउड नॉइज शीटा मीन्स आग की जो चादर थी वो पूरी तरह से दहाड़ रही थी मीन्स आग बहुत बुरी तरह से जंगल में फैल चुकी थी इन लोगों का बचकर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था हालांकि आग इनको थोड़ा बहुत टच कर चुकी थी लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जान बचा कर उस तरह से इन्हें टच नहीं किया अपनी जान बचा कर भाग रहे थे लेकिन अब तो वो जो शीट है फायर की वो पूरी तरह से स्प्रेड हो चुकी थी जंगल में विथ स्मोक एकिंग आइज एंड नोस्ट्रिल दे पैनेट ऑन उनके जो नोस्ट्रिल थे उनकी जो आंखें थी उसमें पूरा धुआं जा चुका था जिससे कि एक कर रही थी आंखें दुख रही थी और उनके नोस्ट्रिल भी टू एंड फ्रो इधर से उधर वाह इधर से उधर इन शॉर्ट ब्लाइंड रशेस ऑल सेंस नॉक्ड आउट ऑफ बाय द टेरर। अब जो ये टेरर है ये जो आग है टेरर यहाँ पे इसी को कहा गया है ये जो आग है इससे क्या था वो लोग इससे अपनी जान बचाकर ब्लाइंड रश था मतलब इधर से उधर भागना इधर से उधर भाग रहे थे उनके सारे सेंसेस एक तरह से क्या हो गए थे काम करना बंद कर रहे थे सडनली दे ओपन सॉरी सडनली दे ओपन बिफोर देम अ ड्राइड रिवर बेड अचानक उनकी जो उनकी जो नज़र थी वो कहाँ पड़ी एक ओपन सूखी नदी के बेड की तरफ पड़ी बेड यहाँ पर इस ही कहा गया नदी का जो बीच में बना हुआ है ना एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिखाते ये इसे इधर कहा गया hmm. cut deep in its course. Cut deep है कट डीप इन इट्स कोर्स कट डीप मतलब बहुत गहरा डीप नदी को ही कहा है यहाँ पे एंड डाउन देयर डाम देअर अमंगस वॉज अ बिग पूल शी न्यू दिस प्लेस वेल जो हिरनी थी वो इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानती थी ये जो नदी जो सूखी नदी थी कोर्स मीन्स है रूट ऑफ अ रिवर ये जो डीप कट लगा हुआ था ये रूट था नदी का नदी की तरफ एक तरह से मीन्स वहाँ पे उसने क्या देखा बाउल्डर्स बाउल्डर्स होते लार्ज रॉक एंड डाउन देयर अमंग द बाउल्डर्स वॉज अ बिग पुल ये जो नदी से जाता हुआ रास्ता था पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों से नीचे उतर कर एक बड़ा पूल था किसका पुल था पानी का शी न्यू विद दिस प्लेस वेल वो बहुत अच्छे से इस प्लेस को जानती थी ब्लंडरिंग शो फ्रॉम हिज फ्रेंटिक मदर सेंड हिम बाउलिंग ओवर एंड ओवर डाउन द बैंक एंड to end up bruised at the bottom all the breath knocked out of his body means bloodring uh, blood show का मतलब क्या है uncalculated push अब जो उसकी मदर थी frantic mother यहां पे का है extremely worried बहुत ज्यादा एक वर्ड माथी जो अपने बच्चे को कहते हैं ना uncalculated push दे रही थी उसको वहाँ से पुश दे रही थी ताकि वो बॉल की तरह कहाँ पहुँच जाए नीचे पहुँच जाए down the bank of the जो बैंक इसको कहा है यहां पे नदी का किनारा उसके किनारे तक पहुंच जाए एट द बॉटम नीचे की तरफ ऑल द ब्रेथ नॉकड आउट ऑफ हिस बॉडी बट राइट बाय द पूल उसकी बॉडीज में अब इस टाइम पे सांस लेना बहुत ज़्यादा कैसा हो रहा था मुश्किल हो रहा था सारी सांस कैसी हो चुकी थी एक तरह से जैसे बंद नहीं हो जाती चॉकड हो जाता हमारा गला जब बहुत ज़्यादा आग फैलती है धुआं ही धुआँ हो जाता है लेकिन जो पूल था था अब वो बिल्कुल उनके पास में था a strong हीट ऑफ़ टू फायर्स बिगिन टू बीट डाउन अपॉन them फ्रॉम each साइड ऑफ द रिवर bed टू बेक them टू डेथ मतलब जो आग थी आग की जो ये लपटे थी ये जहाँ पे वो रिवर बेड के पास पहुँचे थे वहाँ पर भी उनको सेकने के लिए बेक बेक देम टू डेथ मतलब इस तरह से सेक देंगे कि उनकी डेथ ही हो जाएगी वहाँ तक भी आग की लपटे पहुँच चुकी थी दूल रिफ्लैक्टेड द रेगिंग फ्लेम फ्लेम रेगिंग फ्लेम का मतलब क्या है प्रचंड आग अब पूल में भी ये प्रचंड आग जो थी वो क्या हो रही थी रिफ्लेक्ट हो रही थी द वाटर फिजल फिजलेट विद स्पार्क्स फिजलेट विद स्पार्क्स का मतलब क्या है मीन्स एक हिस की आवाज़ आती है ना आपने देखा होगा गर्म पानी पे थोड़ा सा जब कोई गर्म चीज़ होती है जैसे गर्म आपके घर में होता होगा ना लाइक जैसे तवा होता है जिस पर रोटियाँ बनती है, मतलब है वो बहुत गर्म है उस पर हल्का पानी डालो उससे आवाज़ आती है हिस की आवाज़ आती है तो इसी तरह से जो स्पार्क थी पानी की वो पानी से जब टकरा रही थी तो हिस की आवाज़ आ रही थी द हिंड हर फाउंड फॉरवर्ड टू द एज ऑफ द वाटर शॉवल्ड मीन्स ए तेजी से वो अपने बच्चे को तेज़ी से फॉरवर्ड कर रही थी मतलब आगे की तरफ भेज रही थी ताकि वो पानी की एज तक पहुंच जाए क्यों क्योंकि अगर पानी में एक बार पहुंच गए ना तो फिर आग जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी वो बच जाएंगे ही ले दे आर मोशन लेस अब वो एज के पास उसने अपने बच्चे को धकेल दिया वहाँ पर जाकर जो उसका बेबी था वो मोशन लेस बेहोश होकर गिर पड़ा बट ब्रीथिंग मोर इवनली लेकिन कम से कम पहले से अच्छा वो सांस ले पा रहा था अब द फायर अ होल ट्री हील्ड ओवर ब्लेजिंग एंड फेल अलोंग द हेड ऑफ द दूल इट्स वाटर वॉशिंग आउट अब द फायर रेज मीन्स ऊपर की तरफ प्रचंड आग जो थी वो लगी हुई थी एक ट्री था हील्ड ओवर हील्ड ओवर ब्लेजिंग ब्लेजिंग तो यहाँ पर भयंकर आग हो गई इस भयंकर आग, आग से एक पेड़ था जो क्या हो रहा था टिल्ट टिले टिल्ट वेरी फार टू वन साइड एक तरफ से जो बहुत बड़ा पेड़ था उसमें जिसमें आग लगी थी वो थोड़ा सा क्या हो गया था टिल्ट हो गया था मतलब हल्का सा मुड़ गया था कहाँ पर मुड़ गया था अलॉन्ग विथ सेविज सेविज है यहाँ पे एक्सट्रीमली वायलेंट एंड वाइल्ड एंड फ्राइटनिंग हिस्स एंड एक पेड़ था जहाँ पर आग लगी हुई थी वो काफ़ी हद तक जो वो क्या हो गया था मुड़ गया था उसकी तरफ ही मुड़ गया था जहाँ पर वो पूल की बात कर रहे हैं एंड हिज अ बाउलिंग क्लाउड ऑफ स्ट्रीम बाउलिंग क्लाउड ऑफ जो क्लाउड थे वो भी क्या कर रहे थे न, पूरी तरह से बॉल हो चुके थे मीन्स आग इतनी ज़्यादा लग चुकी थी द हेड ऑफ द पूल और जहाँ पर पूल था ना उसी के बिल्कुल सर के ऊपर वो क्लाउड घूम रहे थे इट्स सेंड द वॉटर वॉशिंग आउट द फॉन स्ट्रगल्ड हिज हेड आ पेंटिंग गैसपिंग एंड द फ्रेंड फरनेंस his eyes closing again and tongue lolling but at last very slowly the height of the flames became less लेस अब जो फाउन है अब जो उसका बेबी है मदर तो ठीक है इसमें मदर को कुछ नुकसान नहीं दिखाया लेकिन जो उसका बेबी है वो स्ट्रगल कर रहा था अभी मीन्स वो परेशानी में ही था उसका जो सर था उसने ऊपर किया पेंटिंग आ, पेंटिंग मीन्स वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था गास्पिंग का यहाँ पे मतलब है कि अपना मुँह खोल कर सांस ले रहा था जो आग वहाँ पर लगी हुई थी ना आग का इफेक्ट उसके ऊपर था तो मुंह खोलकर अपना सांस लेने की कोशिश कर रहा था उसकी आइज़ जो है बार बार बंद हो रही थी और जो उसकी टांग है वो पूरी तरह से लॉलिंग मीन्स रेड हो चुकी थी लेकिन आखिरी में धीरे धीरे जो हाइट ऑफ फ्लेम थी आग की जो हाइट थी वो कम होने लगी बिकेम लेस कम हो गई दिस सेंक डाउन इंटू पाइल ऑफ ग्लोइंग ऐश अब वो कहाँ पर डूब गए सेंक डाउन पाइल ऑफ ग्लोइंग ऐश ऐश क्या होती है राख होती है पाइल क्या होता है ढेर होता है चमकती हुई राख के एक ढेर में वो दोनों वो क्या हो गए दे सेंक डाउन अच्छा सॉरी ये इसकी बात नहीं कर रहे जानवर की बात नहीं कर रहे ये इन इसकी आग की बात कर रहे हैं दे सेंक डाउन इन टू पाइल्स ऑफ ग्लोइंग ऐश सूखी राख के ढेर लगे जैसे जैसे आग अब पीछे जा रही थी वो अपने अपना क्या छोड़ के जा रही थी राख छोड़ के जा रही थी राख किसकी जो ब्लैक ब्लैक होते हैं ना ऐश उसको कहते हैं राख कहते हैं उसको हिंदी में किसकी जड़े हुए पेड़ों की जली हुई घासों की वो ग्लोइंग चमक रहा था किसका ऐश का ढेर मुझे पहले मुझे लगा कि ये दोनों इसकी बात कर रहे हैं नहीं इट्स नॉट जानवरों की इन दोनों की बात नहीं कर रहे सॉरी अ कूल ब्रीज ब्लू अलॉन्ग दॉटर कोर्स ऑल द एयर वॉज फुल ऑफ चॉकिंग कूल ब्रीज ब्लू अलॉन्ग दॉटर कोर्स मीन्स जो नदी थी रूट ऑफ वाटर था वहां से थोड़ी सी जो हवा थी ठंडी अब वो चलने लगी लेकिन जो एयर थी वो कैसी थी फुल ऑफ चॉकिंग स्मोक पूरी तरह से स्मोक से भरी हुई थी द फोन वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू मूव येट लेकिन जब उसका बेबी था वो बेचारा इतना स्ट्रांग नहीं था अभी तो उसने जन्म ही लिया था वो पूरी तरह से मूव करने के लिए नहीं था स्ट्रांग सो ही एंड हिज मदर स्टेड देयर और कुछ टाइम के लिए वहीं पुल पर ही रुक गए वाइल्ड देयर बर्न्स स्कूल्ड इं टू द पुल ताकि जो उसका बेबी था वो थोड़ा बहुत जो बर्न हो गया था उनके जो बर्न है वो कुछ देर के लिए कैसे हो जाए उस पानी में ठीक हो जाए थोड़ा ठंडे हो जाए ड्रिंकिंग द टापेट वाटर टापेट मीन्स स्लाइटली वॉर्म थोड़ा टापेट मीन्स गर्म था थोड़ा पानी क्यों क्योंकि उस आग की वजह से उन्होंने थोड़े गर्म पानी को पिया भी इन विच वन और टू फिश डेड फ्लोटिंग उन्होंने देखा इस बीच में जब वो पानी पी रहे थे कि दो मछलियाँ वन और टू मछलियाँ जो थी, फ्लोट करती हुई मीन्स तैरती हुई वहाँ से जा रही थी अप साइड डाउन वेन ही हैड रिकवर्ड एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ जब उन्होंने लगा कि हाँ वो रिकवर हो गए हैं ठीक हो गए हैं तो उन्होंने क्या किया दे मूव इन टू द अनबर्न फॉरेस्ट तो बिना जला हुआ जो जंगल था उस नदी के दूसरी तरफ को तो वो वहाँ पर क्या गए प्रेजेंटली ज्वाइन द हर्ट अगेन उन्होंने अपने हार्ट uh, को खुशी खुशी जाकर कर वहाँ पर क्या कर लिया जॉइन कर लिया झुंड को तो सिर्फ़ ये जो स्टोरी है ये हमें तो उसने हमने पढ़ ली लेकिन सच में ही ऐसा होता होगा जब जंगलों में आग लगती होगी ना जाने कितने मासूम जानवर जो होते होंगे वो क्या होते होंगे इस तरह से फंस जाते होंगे ठीक है सो हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए हमें कभी भी हम जंगल की तरफ जा रहे हैं तो हमें कोई जलती हुई चीज़ वहाँ नहीं फेंकनी चाहिए इससे पता नहीं कितने सारे जानवर बेचारे और पेड़ पौधों का नुकसान हो जाता है ठीक है होप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज ला सकूँ थैंक यू सो मच